हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स। आज भाई फर्स्ट टाइम इन इंडिया, मतलब हम काउंटिंग कार्स पे हमेशा ये सारी चीज़ें ट्राई करते हैं कि भाई यूनिक काम आप लोगों को दिखाया जाए, ऐसा जो लोग करने से कतराते हैं, गाड़ियां खोलने से कतराते हैं। स्कोडा की गाड़ियां भाई कोई नहीं करना चाहता। आप कहीं भी पता करेंगे ना, लेबर आपसे ऐसी मांगेंगे कि आप लोग कहोगे भाई इससे अच्छा तो मैं ऊपर वाला वेरियंट ही ले लेता हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। इसके दो पार्ट्स आएंगे। आज आप बेसिकली पूरा स्टीरियो देखने वाले हो। अगले पार्ट में जितनी भी हम मॉडिफिकेशन इसके अंदर कर रहे हैं वो सारी देखने वाले हो। तो ये अपना जो है न्यू वेरिएंट आया है कुशाक का, इसमें क्या है, जैसे आप लोगों को पता है सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, तो क्रेटा में ह्यूंडई ने क्या करा था कि उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव मॉडल बनाया जिसमें सब कुछ दे रहे हैं, टोटली सब कुछ। इस गाड़ी में भी टोटली सब कुछ है, एक स्टीरियो नहीं आता। और जो चीज़ हमने लगाई है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम दिखा देंगे भाई क्या क्या है। क्लेमिंग फर्स्ट टाइम इन इंडिया एट काउंटिंग कार्स, भाई एक बार दिखा दो पीछे। तो ये हम फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं भाई काउंटिंग कार्ड्स पे, और ये वीडियो आप लोग अभी भी और भी काफ़ी चैनल्स पे आने वाले हैं, वहाँ भी देखने वाले हो। सो हमारा जो है सिंपल सा है, लोकेशन हमारी आप आओगे जब करोल बाग के हनुमान मूर्ति के गोल चक्कर पे, जो रोड उतर रही है उस रोड पे या तो गूगल मैप डाल लेना या उतरते ही लेफ्ट साइड पर आपने देखना आपको काउंटिंग कार्ड्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं गाड़ी में सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल आ रहा है, ठीक है। इस गाड़ी में चार स्पीकर्स आते हैं, भैया हमारे पास आए थे बीएनए का, कंपनी ने कहा चार स्पीकर्स हैं, मैंने कहा चेक कर लेते हैं, हमने खोला स्पीकर्स थे, कंपनी का स्पीकर हमने रिटेन करा है। हमने एक इसमें एम्पलीफायर लगाया, उसकी डिटेल भी आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में देंगे, बिकॉज ये हम इसकी सिस्टम के लिए मेन वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहली बात डाउट होता है भाई वायर कटिंग हो जाएगी हमारी, वायर कोई कटिंग नहीं हुआ, समझाओ थोड़ा सा भाई, इसके अंदर कपलर टू कपलर ठीक है आने वाली है। ये सिस्टम ये कंपनी का कपलर है जो अपने करने वाली है, ये चीज कंपनी का कपलर है, एक कपलर और दिया जो कंपनी ने एंटीना, ये चीज हमने कपलर टू कपलर, ये देखो एंटीना मैं कह रहा हूँ भाई, स्कोडा का भी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा, फर्स्ट टाइम इन इंडिया आपको मैं एंटीना दिखा रहा हूँ। स्कोडा का कैनवस लगता है, ये कैनवस लगता है, कैनवस वाला एंटीना लगता है, नॉर्मल एंटीना नहीं चलेगा जो मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ इसको। बाकी ये जो कंपनी का वायर है देख सकते हो, और इसके अंदर हमने जो अपना कपलर टू कपलर पूरा बनाया है जो कैनवस के साथ, इसके अंदर सारा फीचर आपका ऑन होगा, बोनट से लेकर चारों दरवाजा तक ऑन हो जाएगा, आगे से फ्रंट कैमरा मूविंग होगा और स्टीयरिंग से ही कंट्रोल चलेगा सारे सारी चीजें, जो चीज सबसे टॉप मॉडल में आती है वो चीज इसके अंदर फीचर दिया कंपनी। एक बार कपलर टू कपलर हमने कर दे, आपको दिखा देता है एक बार जो आपको लग जाए, तो ये चीज हमने कपलर टू कपलर कर दी है। गाड़ी जो है वो अपनी है भाई 12 लाख रुपए की, इसमें मैं आप लोगों को एक चीज और एड ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे भाई हाइपरसोनिक ब्रांड जो है ऑन हो चुका है, और ये हाइपरसोनिक ने फर्स्ट टाइम भाई इंडिया के अंदर इंस्टॉल करा है स्कोडा कुशाक के अंदर। कैनवस का जो मेन यूनिट होता है, काफी लोग कैनवस कनेक्ट कर देते हैं, कहते हैं भाई मैंने कैनवस लगा दिया, लेकिन कैनवस ना फंक्शनल नहीं होता उन गाड़ियों के अंदर, काफी गाड़ियों में, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों को ज्यादा अगर दिमाग चलाते हैं तो गाड़ी की गारंटी खत्म। सो भी आए थे हमारे पास, भैया पश्चिम बिहार से आए हैं, और ये जो है डॉक्टर हैं बोन्स के, किसी को कॉन्टैक्ट करना हो नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अभी जो है भैया ने ये मॉडल लिया, ये एक्टिव पीस है, अगर आप एक्टिव ले तो बेसिकली इसमें ये सारी फीचर्स नहीं आते, तो ये एक्टिव पीस है इसलिए इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल ये सारी चीज़ें, स्पीकर भी दिया कंपनी ने, बाकी सिस्टम नहीं दिया, इससे ऊपर भी मॉडल आता है लेकिन मज़ा नहीं आता सिस्टम में। कैनवस में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें चालू हो जाती है, जैसे आप यहाँ पे फिलहाल देख पाओगे कि डोर दो शो कर रहा है और डिग्गी शो कर रहा है, ठीक है। मैं ड्राइवर साइड खोलूंगा, ठीक है, ये बोनट भी शो करेगा, ये बेसिकली सारी चीज़ें आपकी शो करेगा इस गाड़ी के अंदर, और स्टीयरिंग कंट्रोल भी फसल काम करेगा। स्टीयरिंग कंट्रोल जो है इस गाड़ी का कैनवस के थ्रू ही ऑन किया गया है, इसका रीजन ये है कि इसमें अगर आप स्टीयरिंग कंट्रोल देखोगे तो इसमें ना स्विच नहीं है, जैसे हम नॉर्मली आप बात कर लो नेक्सोन में भी कैनवस लगता है, बट नेक्सोन का स्टीयरिंग के लिए पर्टिकुलरली कैनवस नहीं लगता, उसका इसलिए लगता है ताकि डोर वाले फीचर्स और जो हमारे नीचे बटन होते हैं उसको ऑन किया जाए। और इसमें क्या है, इसमें ना रोलिंग दी गई है, जैसे कि हमारी लग्जरी कार्स के अंदर आता है, तो इसमें रोलिंग हमारी जो है स्टीयरिंग रिमोट दिया गया वॉल्यूम के लिए। अगर आप इसमें कैनवस नहीं लगाओगे, इसमें कोई वायरिंग नहीं है, आप सोचो कि वायरिंग कट करके मैं वॉल्यूम इसको दे दूं, तो वो चीज़ नहीं हो सकती, ये कैनवस से ही होगा। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो हमारी पार्किंग लाइट्स ऑन होती है, तो ये पार्किंग लाइट्स भी, ये देखो हमारी वाइट ऑन हो रही है यहाँ पे, ये हमारी पार्किंग लाइट्स भी इनफैक्ट कैनवस के थ्रू ही ऑन हो रही है। कैनवस के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें इस गाड़ी में रन कर रही है, यहाँ आप देख पाओगे ये इसकी आइज भी ब्लिंक करेगी जब हम लाइट्स ऑन करेंगे, ठीक है। ये हमारी बंद हो जाएगी अभी, और ये हमने ऑन करा, ये भी जल गई और ये भी जल गई। यहाँ जो किलोमीटर बताएगा ना वो भी एक्चुअल आपका कैनवस के थ्रू ओबीडी के थ्रू बताएगा, जो आपकी गाड़ी एक्चुअल चल रही है ना वो आपको यहाँ पे शो होने के लिए मिलेगी। इसमें हमें आपको और फीचर्स भी दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा फ्यूल भी बताएगा, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, बट अगर होता तो इसमें बताता, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसमें हमारा फ्यूल कंजम्पशन भी बताएगा कितनी फ्यूल है। अब देखो जैसे दिखा रहा है, ये आफ्टर स्टार्ट दिखा रहा है, ये लॉन्ग टाइम दिखा रहा है, ये आफ्टर फिल ऑयल दिखा रहा है, आफ्टर स्टार्ट पे रखते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एवरेज स्पीड 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी चली नहीं है, माइलेज भी 0 दिखा रहा है,
एवरेज फ्यूल कंजप्शन भी जीरो दिखा रहा है। ड्राइविंग टाइम 1 मिनट 4 सेकंड है, बिकॉज अभी हमने इससे पहले इसको ऑन किया था कि बैटरी डाउन ना हो जाए। यहाँ पे देखते हैं तो एवरेज पावर कंजप्शन भी जीरो किलो वॉट पर आर की है। टाइम मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, माइलेज 27 किलोमीटर लिखी हुई है। दिल्ली में आपको पता है ट्रैफिक ज्यादा होता है तो 6 किलोमीटर पर आर लिखा हुआ है। फ्यूल कंजप्शन यहाँ पे दिखा रहा है 5.2 किलोमीटर पर लीटर जो है ये जो है फ्यूल कंजप्शन कर रहा है, यानी कि बेसिकली एवरेज 5.2 की आ रही है। अभी इसकी फर्स्ट सर्विस नहीं है, गाड़ी जस्ट आज डिलीवरी हुई और आज यहाँ पे आ गई है। ये इसका स्टेयरिंग कंट्रोल है, ये इसका ड्राइविंग मोड में चलते हैं तो यहाँ से आप इकोनॉमी ऑफ रोड। ये इस वाली मॉडल के लिए नहीं है, बेसिकली स्कोडा का जो ECM है ना काफ़ी गाड़ियों का सेम है। तो जैसे आप स्कोडा की कोई और गाड़ी लेते हो, जैसे कि जैसे ही एक नाम है वो 25-30 लाख रुपए की गाड़ी है, तो उसमें ही सारे फीचर्स आप एक्सेस कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसके अंदर ही अपना होम स्क्रीन आ चुका है। यहाँ पे आप लोगों को Z-Link मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपना एप्पल कारप्ले कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। बेसिकली इतनी महंगी गाड़ी एप्पल कारप्ले होना चाहिए। साथ में यहाँ पे आपको उसका DSP मिल जाएगा जिससे हम साउंड सेटिंग करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे रिमोट के सारे फीचर्स जो है वो वर्किंग रहेंगे। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इसमें अगर वीडियो में जाते हैं इसके अंदर आप अगर इसको नेक्स्ट और प्रीवियस भी यूज़ करोगे तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे यहाँ से मैंने एक बार कर दिया, अब देखो ये वीडियो स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट हो जाएगी और प्रीवियस करूँगा वापस अपने वाले पे चली जाएगी। तो ये जो है फंक्शन यहाँ पे वर्किंग है। वॉल्यूम मैंने दिखा दिया, वॉइस कमांड का फीचर इसमें काम नहीं करेगा, बिकॉज वॉइस कमांड के लिए जो फर्मवेयर है वो अपना कंपनी वाला होना चाहिए, मतलब स्टीरियो। ये वॉइस कमांड अपना उसी के साथ काम करेगा। अगर इसमें नॉर्मल रिमोट होता तो वायर डाल के इस बटन को किस कहीं पे हम दे सकते थे, बट जितनी भी चीज़ें चल रही है वो सारी कैनवस के थ्रू यहाँ देख पाओगे। अगर कोई एडिशनल वायर इंस्टॉल करनी होती रेदर देन अपना कैमरा और अपना कैनवस, तो यहाँ पे हमको और भी वायर्स पील ऑफ करनी पड़ती है अपने रिमोट के कनेक्शन के लिए। साथ में आपको यहाँ पे मैं 4 वायर्स दिखा देता हूँ। 4 वायर्स यहाँ पे हमारी पड़ी हुई है। ये जो है हमारी एम्पलीफायर की और ये हमारी RC केबल है। ये अभी हम एम्पलीफायर इसमें इंस्टॉल करेंगे, लेकिन अभी जो है ये डायरेक्टेड नहीं है, अभी इसको जो है डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ से हमारा जो है स्पीकर की आउटपुट जाएगी और ये हमारे कपलर में से है, तो ये चारों स्पीकर की आउटपुट यहाँ से जाएगी। इसको यहाँ पे अगेन फिट करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी फिटिंग कैसी आएगी। सो सिस्टम हमारा लग चुका है, अभी ये बूट और डोर्स दिखा रहा है और फिटमेंट आप चेक कर लो कैसी फिटमेंट आई है इसकी। सो इस तरीके से रहेगा अपना कंपनी के फ्रेम पे ये जो है अपना इंस्टॉल हुआ है, तो एज इट इज अपना पूरा फिटमेंट रहता है इसके अंदर। अभी इसमें पीछे स्क्रू लगाने बचे हैं, स्क्रू लगा देंगे। इसके ऊपर एक कैप आती है कंपनी की, वही कैप वापस लग जाएगी और सारी चीज़ें हो चुकी है। ये एक मैं आपको रिवर्स दिखा देता हूँ। इसमें एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ भाई, ये वाला जो गाइडलाइंस है ना, एक कैमरे का और एक गाड़ी का है। ये देखो, वैसे तो जो हमारे कैमरे होते हैं संजीत, वो तो जब मुड़ते हैं जब गाड़ी मुड़ती है, ठीक है। तो ये जो है ये भाई अपना OBD के थ्रू ही चल रहा है। तो ये जैसे आप मोड़ोगे ना, टॉप मॉडल में जो चीज़ आती है स्टेयरिंग के थ्रू अपना जो कैमरा आता है, सेम उसी तरीके से आप लोगों को कैमरा देखने के लिए इसमें मिलेगा, ठीक है। एक मिनट भाई, स्पीकर बाद में चेक कर लेना आप। एम्पलीफायर भी फिट हो रहा है भाई यहाँ पे। तो ये देखो, जैसे भी आप मोड़ोगे वो सारी एज इट इज रहेगी। सो भाई अब चलते हैं भैया का एक ओनरशिप रिव्यू। भैया आए थे हमारे पास और भैया दिल्ली से बिलोंग करते हैं बेसिकली। सो भैया सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, नाम आपका? डॉक्टर विकास जी थे हमारे पास और भैया ने अपना लिया है। कौन सा वेरिएंट है और कितने रुपए का आ जाता है? एक्टिव पीस वेरिएंट है, स्कोडा पुशाक का, ये 11 लाख 18 हज़ार। और सबसे बढ़िया बात है भैया को सिंगल डे में मिल गई, जब भैया गए और भैया को गाड़ी मिल गई। काफी कभी कभी होता है भाई ऐसा स्कोडा और बाकी गाड़ियों के साथ कि मिल जाती है। अब इसकी वेटिंग आनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद 6-6 महीने चले जाने हैं। अगर जो भैया ओवरऑल काम हुआ, कैसा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। सिस्टम कंपनी से नहीं आया था, आपको फीचर सारे दिखाए गए, कैसे थे सारे फीचर्स? सब अच्छे थे। ऐसा तो फील नहीं हुआ कि भैया एक मॉडल ऊपर ले लेना चाहिए था? नहीं, बेस मॉडल लेके आप फिटिंग कराइए, सब कुछ अच्छा मिल गया, सब कुछ बढ़िया था ओवरऑल। अभी मैं आपको कैमरे का भी आउटपुट इसमें अच्छा तो मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। सो अगर 5 out of 5 कोई रेटिंग देनी हो तो कितना देना चाहोगे? 5 out of 5 अगर ये कुछ आपकी वीडियो देख के कोई आना चाहता है तो आना रिकमेंडेड है? बिल्कुल। काउंटिंग कार्स। एक बार मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, ये हनुमान मूर्ति का गोल चक्कर है और ये हमारा जो है बोर्ड रहेगा यहाँ पे और ये अपनी पूरी शॉप है। सो फुल्ली लोडेड हमेशा मिलेगी आपको। भैया को काम पसंद आया, भैया आए हमारे पास, हमको काफी अच्छा लगा और ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया में आप लोगों को दिखा पाए सिर्फ भैया की वजह से। तो एक बार भी ऐसे कर दो। थैंक यू।